Good morning, everyone. Today we are going to start a new head of income, that is income from salaries, right? Give the heading. Now, I have already told you in my introduction class that any income will be chargeable to tax under this head provided there is employer-employee relationship, right? And the chargeability section is section 15. Chargeability section 15. Clearly bolta hai, employer-employee रिलेशनशिप होना चाहिए, राइट? अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप है तो इनकम विल बी चार्जेबल टू टैक्स. इनकम विल बी चार्जेबल टू टैक्स under the head salaries, right? Income will be chargeable to tax under the head salaries. जैसे हमने काफी सारा बात किया था केस वन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, राइट? तो इसमें हमने क्लियरली बोल दिया था कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में द पर्सन इज नॉट सब्जेक्टेड टू डिटेल डायरेक्शन एंड कंट्रोल. यहां पे नॉट सब्जेक्टेड टू डिटेल डायरेक्शन एंड कंट्रोल. तो ये या तो पीजीबीपी होगा या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. यहां पे सब्जेक्टेड टू तो ये इनकम फ्रॉम सैलरीज होगा. ठीक है, केस टू सैलरी रिसीव्ड बाय अ पार्टनर from partnership firm, right? सबसे पहला बात, ये जो भी सैलरी मिल रहा है पार्टनर को फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, दिस इज इन द कैपेसिटी ऑफ रेम्यूनरेशन. इसको क्या बोलते हैं अपने, ये रेम्यूनरेशन है, राइट? And partner is in the capacity of owner of the partnership, I'm not the employee, right? Partner is not an employee of firm, he is owner. Therefore, salary received will be partners PGBP. ठीक है, ये पार्टनर का PGBP माना जाएगा.
एमओपी पार्लियामेंट का मेंबर को रेम्यूनरेशन मिल रहा है। नाउ एम्प्लॉई और मेंबर में दोनों में फर्क होता है। एम्प्लॉई को इंटरव्यू प्रोसेस से सेलेक्ट किया जाता है, वेयर एज मेंबर को इलेक्ट किया जाता है, हमेशा याद रखना। एम्प्लॉई सेलेक्टेड वेयर एज एमओपी इलेक्टेड। इसका मतलब रेम्यूनरेशन रिसीव्ड इज नॉट इनकम फ्रॉम सैलरी। ये इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं है, IFOS में चला जाएगा, राइट। तो ये चार्जेबिलिटी सेक्शन 15 बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा करिकुलम के लिए। एग्जाम में शॉर्ट शॉर्ट टंग ट्विस्टर्स खेल सकता है हमारे साथ, तो हमेशा याद रखना है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस सैलरी में जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस PGBP। सैलरी जो मिला पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को, वो इन द कैपेसिटी ऑफ ओनर है, एम्प्लॉय नहीं है, राइट। और मेंबर को इलेक्ट किया जाता है, सेलेक्ट नहीं किया जाता, क्लियर। तो ये हमने ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में आपको बता दिया था, इंट्रोडक्शन क्लासेस में। अब हम बात करेंगे स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है। स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, नाउ आपको मालूम है एक नया टैक्स रिजाइम है और एक पुराना, राइट। तो सैलरी में भी कुछ कुछ जगहों पे थोड़ा बहुत स्लाइट चेंजेस है। अगर आप नया स्कीम में जाते हैं तो आपको कुछ कुछ बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, अगर आप पुराना स्कीम में जाएंगे तो नॉर्मल आपको सारा बेनिफिट मिलेगा, राइट। एंड बाकी सब केसेस में सैलरी को छोड़ के सबको नया मेंबर सेलेक्ट, नया ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है, राइट। नया ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है एंड दे कैन ओनली ऑप्ट आउट वंस। लेकिन सैलरी वालों के लिए ऐसा कोई गाइडलाइंस नहीं है और उनको कोई इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म करने का दरकार भी नहीं कि हम नया वाला ऑप्ट कर रहे हैं कि हम पुराने वाले में हैं। दे कैन फ्रीक्वेंटली चेंज ऑल्सो, नो प्रॉब्लम, राइट। सो अभी मैं आपको जो कंप्यूटेशन दिखाऊंगा दैट इज एज पर डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम, मतलब नया वाला सेक्शन 115 BAC। फॉर्मेट बहुत सिंपल है, एकदम टेंशन लेने का दरकार नहीं है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, सैलरी के ना बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे मैंने आपको सैलरी दिया, अब वो सैलरी में क्या क्या चीज का पैसा दिया, एक नॉर्मल बेसिक कंपोनेंट होता है, पर प्लस मैं आपको रहने के लिए घर दे दिया, आपको एक शॉफर ड्रिवन कार दे दिया, इसको परक्यूजिट्स बोलते हैं। आपके बच्चों को मैंने कहीं पे स्कूल में, किसी स्कूल में एडमिशन करवा दिया, उसका फीस वगैरह मैं दे रहा हूँ, ये भी परक्यूजिट हो गया। या मैं आपको महीने का 10,000 रुपया दे दिया, हम आप जहां पर आपको बच्चे को पढ़ाना है पढ़ाइए। मैं आपको रहने के लिए घर नहीं दिया, मैंने आपको फिक्स्ड अमाउंट दे दिया कि भैया आप इसमें जो करना है करिए। तो एक होता है कि मैं फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हूं, एक मैं आपको रुपया दे दिया। इफ आई एम गिविंग यू ये फैसिलिटी और आई एम डूइंग रीइंबर्समेंट ऑफ व्हाट यू हैव इनकर्ड, देन दैट्स परक्यूजिट। और एक होता है अलाउंसेस,
जो फिक्स पेमेंट है इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू इनकर, राइट। मैंने आपको ट्रांसपोर्ट के लिए 3,000 रुपए महीना दे दिया तो वो अलाउंस हो गया, आप पैदल आइए, बस में आइए, यूज करिए, मत करिए, हमको मतलब नहीं है, 3,000 रुपए आपको मिलेगा। और एक है कि मैं आपको सॉफ्टवेयर ड्रिवन कार दे दिया तो वो परक्यूजिट में आएगा। तो आपको सैलरी कैश में मिले चाहे काइंड में मिले, टोटल अमाउंट विल बी चार्जेबल टू टैक्स। नहीं तो लोग क्या करेंगे, सैलरी वालों के पास ना बचने का कोई उपाय नहीं है, उनके पास में ज्यादा टैक्स सेविंग करने का कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई प्लान नहीं है। तो जो लोग भी हाई फिगर में है ना, वो लोग को बहुत रोना आता है टैक्स देते वक्त, राइट। 25 लाख 30 लाख जिसका सैलरी होगा उसका 5-6 लाख रुपए टैक्स में चला जाता है, राइट। तो सैलरी में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, वो सारे कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला जो बात है वो है बेसिक सैलरी। राइट, टैक्सेबल होता है ये, जहां मैं कुछ नहीं लिख रहा मतलब पूरा टैक्सेबल है। फीस, अब आपने कोई काम जल्दी खत्म कर दिया, मैं आपको इंसेंटिव दे रहा हूं, कमीशन दे रहा हूं, राइट। आपने मेरा सेल्स में भी योगदान दिया है तो ये भी पूरा टैक्सेबल है। बोनस, ये लोगों को लगता है कि कंपनी ने मेरे को एक्स्ट्रा दिया, बट कंपनी ने मेरे को एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिया। मैंने क्या किया, जो आपका टोटल मेरा कॉस्ट टू कंपनी है ना, उसको मैंने 13 मंथ्स में डिवाइड कर दिया। 13 मंथ्स में मेरे को आपको जितना भी सैलरी देना है, 10 लाख देना है, 20 लाख देना है, मैं उसको डिवाइड बाय 13 कर दिया। सपोज करो मेरे को आपको 13 लाख रुपए सैलरी देना है तो मैं इसको डिवाइड बाय 13 करूंगा तो महीने का कितना हुआ, 1 लाख। तो मैं आपको 12 महीना 1-1 लाख रुपए दूंगा और दिवाली के टाइम पे मैं आपको एक्स्ट्रा 1 लाख और दे दूंगा, तो आपको क्या लगेगा, वाह मालिक ने मेरे को बोनस दिया। एक्चुअली ये आपका कॉस्ट टू कंपनी में इंक्लूडेड है, तो कोई भी चीज जो आपको मिलता है ना वो आपको कॉस्ट टू कंपनी में जो ऑफर लेटर आएगा उसमें देखिएगा मेंशनड होगा। बहुत लोग 13 से डिवाइड नहीं करके 14 से डिवाइड कर देंगे तो उसको ये लगेगा मालिक मेरे को 2 महीने का सैलरी बोनस में दे दिया, बट एक्चुअली वो आपका, गॉट माई पॉइंट। तो इस चीज बोनस खाली मन की संतुष्टि और कुछ नहीं है, वो आपका कॉस्ट टू कंपनी में इंक्लूडेड होता है। इट इज जस्ट अ मेंटल सेटिस्फेक्शन, नथिंग एल्स, राइट। सो ये भी पूरा टैक्सेबल है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अलाउंसेस का। अलाउंसेस क्या होते हैं, मैंने बोला था फिक्स पेमेंट्स, हाँ? ठीक है। नाउ जितने भी अलाउंसेस होते हैं ना न्यू टैक्स रिजाइम में, ये मेरा न्यू टैक्स रिजाइम है, किसी अलाउंस, जैसे मैंने आपको ये अलाउंस किस लिए दिया, खर्चा के लिए दिया है। तो कुछ कुछ अलाउंस ऐसा होता है आप खर्चा करेंगे तो उस पार्ट पे टैक्स नहीं लगेगा, बेसिकली कमाई नहीं है, ऑफिस से घर आने के लिए मैंने आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया, ये तो आपका खर्चा हो जा रहा है। ऑफिशियल काम के लिए मैंने आपको कहीं बाहर भेज दिया, ट्रैवलिंग अलाउंस, ये तो आपका खर्चा हो जा रहा है। यूनिफॉर्म अलाउंस,
हेल्पर अलाउंस, अब आप हेल्पर रखो चाहे मत रखो, आपको मैंने एक हेल्पर अलाउंस दिया है। तो टेक्निकली स्पीकिंग देर आर सम अलाउंसेस जो आपका खर्चा हो जाता है ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करने में। तो सरकार एग्जेम्पशन प्रोवाइड करती है, एग्जेम्पशन मींस पार्ट ऑफ द इनकम इज नॉट टैक्स्ड, आइदर फुल और इन पार्ट। तो अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम जाते हैं ना, आपको कोई भी तरह का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। सपोज करो मैंने आपको हाउस रेंट अलाउंस दिया भाड़ा के लिए महीने का 20,000 ना, हाउस रेंट अलाउंस में एग्जेम्पशन है, बट क्योंकि आप न्यू टैक्स रिजाइम में गए हैं आपको वो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। जितना भी मैंने आपको दिया पूरा आपका टैक्सेबल। न्यू टैक्स रिजाइम में रेट ऑफ इनकम टैक्स इज लो, इसलिए आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे यहां पे। इनिशियल जो स्लैब्स हैं वहां पे रेट ऑफ इनकम टैक्स लो है, राइट? तो यहां पे कहने का मतलब क्या है, कोई भी अलाउंस बोलो, डियरनेस अलाउंस, ये तो ओल्ड टैक्स रिजाइम में भी एग्जेम्पशन नहीं था, ये न्यू और ओल्ड में फर्क नहीं है, पूरा का पूरा टैक्सेबल है। हाउस रेंट अलाउंस नया स्कीम में पूरा टैक्सेबल है, ओल्ड में एग्जेम्पशन मिलता है, मैं भी बताऊंगा ओल्ड में किसमें एग्जेम्पशन मिलता है। चिल्ड्रन एडुकेशन अलाउंस में भी मिलता है, हॉस्टल अलाउंस में भी एग्जेम्पशन था, बट नए वाले में फुल्ली टैक्सेबल है। टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल। तो इन तीनों में मैं एस्ट्रिक मार्क दूंगा, क्योंकि अगर मैंने ओल्ड टैक्स रिजाइम ऑप्ट किया है तो इन तीनों में मेरे को एग्जेम्पशन मिलेगा। In old tax regime, I will get exemption in all the three. ठीक है ना? Transport allowance है, लेस 3200 पर मंथ का एग्जेम्पशन है, ब्लाइंड डेफ डेफ एंड डम हैंडीकैप्ड इन सब केसेस में आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा यहां पे। और ओल्ड टैक्स रिजाइम में नॉर्मल लोगों को भी एग्जेम्पशन मिलता है। ठीक है? हाँ, एंटरटेनमेंट अलायंस, एक्सेबल है, ट्रैवलिंग अलाउंस
कन्वेंस अलाउंस, डेली अलाउंस, इसमें एग्जेम्पशन है। एग्जेम्प्ट ओनली इफ यूटिलाइज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस। ठीक है, ओल्ड में भी वही है, इसमें ओल्ड में नया में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अदर अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, हाँ तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अलाउंसेस हो गया, परक्यूजिट्स के बारे में बात करते हैं। ओल्ड टैक्स रिजाइम होगा, इन सब में एग्जेम्पशन आएगा। ठीक है, न्यू टैक्स रिजाइम में बोल के यहां पे फुल्ली टैक्सेबल, यहां पे एग्जेम्पशन ब्लाइंड डेफ को भी है, वहां पे नॉर्मल लोगों को भी एग्जेम्पशन है। क्लियर? पॉइंट नंबर फाइव, परक्यूजिट्स। ठीक है, सारे के सारे परक्यूजिट्स टैक्सेबल होते हैं। बेसिकली फंडा आपको एकदम क्लियर होगा, आपको क्वेश्चन में पहले ही पढ़ लेना है ओल्ड टैक्स रिजाइम है कि नया है। समझ गया ना? तो नया रिजाइम का खाली सिंपल फंडा क्या, हाउस प्रॉपर्टी में भी देखा था, सेल्फ ऑक्यूपाइड का इंटरेस्ट ऑन लोन का माइनस नहीं हो रहा था, सेल्फ ऑक्यूपाइड का।
बेसिकली नया टैक्स रिजाइम का रेट ऑफ टैक्स लो है, तो उनका ऑब्जेक्टिव यह है कि ज्यादा इनकम टैक्सेबल करो। हाउस प्रॉपर्टी में तुम सेल्फ ऑक्युपाइड का इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन नहीं दे रहा है तो अल्टीमेटली तुम्हारा इनकम ज्यादा हो गया, टैक्स रेट लो है तो क्या हुआ? यहां पे तुम एग्जेम्पशन नहीं दे रहे, मतलब ऑटोमेटिकली इनकम ज्यादा हो गया। राइट आपने मेरे को पैसे दिए अलग अलग नाम से, ये ले तेरा कमीशन, ये ले तेरा बोनस, ये तेरा तेरा बच्चा लोग के लिए, ये तेरा घर खर्चा के लिए, डेनेस अलाउंस घर खर्च के लिए होता है, अलग अलग नाम दे दिया है सब सैलरी। अब ये सब काइंड में दिया है मेरे को, ये सब चीज किस में दिया है? काइंड में दिया, तो ये इसका कैलकुलेशन हमको समझना पड़ेगा। सबसे पहला हम तुमको रहने के लिए घर दिया है, रेंट फ्री एकोमोडेशन, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? वो हम आपको सिखाएंगे, इनकम टैक्स लॉ में दिया हुआ है। राइट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय इसकी वैल्यू निकालनी सीखनी है हम लोगों को। है ना? तो एकदम सिंपल सा बात है, घर का, मेरे पास अपना एक घर है, मैं मालिक हूं, मैंने तुमको रहने के लिए दे दिया। अब इस ये परक्यूसिट है तुम्हारे लिए, बेनिफिट इन काइंड। नाउ हाउ विल आई डिराइव बेनिफिट ऑफ दैट, सॉरी हाउ विल आई डिराइव द वैल्यू कि इस परक्यूसिट का, इस काइंड बेनिफिट का मॉनेटरी वैल्यू क्या होगा? तो इनकम टैक्स में रूल्स नॉर्म्स दिए हुए, वी हैव टू कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ दैट नॉर्म्स, ठीक है, वो नॉर्म्स को फॉलो करके हमको कैलकुलेशन करना है। टू एम्प्लॉय, अब मैंने सपोज करो तुमको प्रोवाइड किया और तुम उसको यूज नहीं कर रहे हो तो परक्यूसिट नहीं आएगा। ओनली इफ द बेनिफिट इज एंजॉयड देन ओनली इट विल बी परक्यूसिट। हाउस रेंट अलाउंस में और रेंट फ्री अकोमोडेशन में फर्क क्या है? यहां पे मैंने आपको पैसे दे दिए, अब आप भाड़े के फ्लैट में रहिए मत रहिए ये आपका लुकआउट है। यहां पे मैंने आपको रहने के लिए घर दे दिया, क्लियर? नाउ अब इसमें हमको यह देखना है कि रेंट फ्री अकोमोडेशन कौन किसको प्रोवाइड कर रहा है। गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय को कर रहा है कि और कोई एम्प्लॉयर है? राइट तो आइए चेक करते हैं। Government to its employee, license fees
जो फेयर रेंट होता है ना बेसिकली, लाइसेंस फी डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट, मतलब जो फेयर रेंट होता है कई बार क्या होता है, हम भी तुमसे कुछ रिकवर कर रहे हैं, लेस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। समझ में आया? ये वैल्यू यहां आके टैक्सेबल होगा। क्लियर? एनी अदर एम्प्लॉयर टू इट्स एम्प्लॉय, इसमें दो चीज होता है, या तो घर एम्प्लॉयर का खुद का है टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर, ठीक है ना, हाँ, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि जहां पे घर है वहां का पॉपुलेशन क्या है। हालांकि ये परसेंटेज अभी चेंज हुआ है 1 सितंबर से, बट अभी वी विल सी वेदर इट्स एप्लीकेबल फॉर योर एग्जाम और नॉट, राइट। अभी जो लास्ट जो फाइनेंस एक्ट आया था उसमें जो परसेंटेज अनऑल्टर्ड था, तो वही वाला मैं आपको बता रहा हूं। टू थाउजेंड वन का जो सेंसस है उस हिसाब से पॉपुलेशन अगर वहां का 25 लाख से ज्यादा है, ठीक है, सो 15% ऑफ सैलरी परक्यूजिट वैल्यू होगा। दस से ज्यादा, सॉरी, पच्चीस लाख से कम, दस परसेंट ऑफ सैलरी। लेस देन 10 लाख अगर है तो 7.5% ऑफ सैलरी। और अगर भाड़े में लिया है 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, राइट, हाँ, क्लियर। सिंपल सा फंडा है, अगर तुम भाड़े पे लेके दिया है तो पॉपुलेशन से फर्क नहीं पड़ता,
15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। और अगर तुम्हारा खुद का है तो प्रॉपर्टी कहाँ है उससे फर्क पड़ेगा। 25 लाख से ज्यादा है तो 15% ऑफ सैलरी, मेट्रो सिटी हो गया, ठीक है, तुमको बता देगा एज पर 2001 सेंसस। नाउ यहां पे हमने तुमको प्रोवाइड किया, बदले में हम तुमसे कुछ ले रहे हैं। अगर फ्री में दे रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम तुमसे पैसा ले रहे हैं तो लेस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय लेस हो रहा है, तो पहले वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। वैल्यू डिटरमाइन हो जाएगा इससे फिर लेस कर देंगे वैल्यू रिकवर्ड। गॉट माय पॉइंट? अगर गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय को दे रहा है लाइसेंस फीस डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट लेस, अगर हम तुमसे कुछ ले रहे हैं तो। अगर और कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दे रहा है, ये सब का ना चार्ट बना के दीवार में चिपका देने का है, मजाक नहीं कर रहा हूं। आप जब तक ये सब का चार्ट बना के चिपकाएंगे नहीं ना, आपको समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है। दिस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेमोराइज करने का है। थोड़ा बहुत लॉजिक मैं समझा सकता हूं, बट इसमें ज्यादा लॉजिक का कोई काम नहीं है। अब यहां पे आपको एक चीज याद रखना है, कई बार हम घर के साथ में फर्निश्ड एकोमोडेशन भी देते हैं तो वो उसका परक्यूजिट वैल्यू ऐड हो जाएगा। तो पहले आप इसका निकाल लीजिए नॉर्मल। अगर फर्नीचर आपका खुद का है, अदर एसेट मैंने दिया अलोंग विथ, इसके साथ फ्रिज टीवी फर्नीचर ये सब दिया है, अदर एसेट राइट, फर्निश्ड अकोमोडेशन मतलब कौन आया दिखाई में? अगर ओन्ड है एम्प्लॉयर का तो 10% पर एनम ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, और अगर भाड़े पे लेके दिया है तो हायर चार्जेस, लेस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। कुछ भी पैसा हम तुमको जो भी परक्यूजिट दे रहे हैं, एक होता है फ्री में दे रहे हैं, एक होता है कुछ लेके दे रहे हैं। कुछ लेके दे रहे तो भी तो तुमको फायदा है, पूरा थोड़ी ले रहे हैं। नॉर्मल आप एक प्लेट खाना खाने जाएंगे 150 लगता है, क्या आपको नॉर्मल मैं खिला रहा हूं 20 रुपए में, तो 130 का आपको मिल का डिस्काउंट मिला ना। तो पहले आपको परक्यूसिट वैल्यू निकालने का है, उसके बाद आप जो भी रिकवर कर रहे हैं वो लेस हो जाएगा। यहां पर भी आप पहले परक्यूसिट वैल्यू निकालिए, ठीक है?
इज इट फाइन? हाँ, रेंट फ्री अकोमोडेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय को दे रहा है, अदर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दे रहा है. गवर्नमेंट अगर दे रहा है तो लाइसेंस फीस टैक्सेबल होगा, अदर एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को दे रहा है तो डिपेंड करता खुद का है कि भाड़े का है. भाड़े में लेके दिया है, रेंट 15% और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, दोनों में जो लोअर होगा वो परक्यूजिट वैल्यू आएगा. राइट और खुद का है तो पॉपुलेशन के बेसिस पे ले लेंगे. जब भी ले लेंगे उसमें फर्नीचर का परक्यूजिट वैल्यू ऐड करेंगे, फिर माइनस अमाउंट रिकवर्ड अगर कंसेशनल रेट पे दिया है तो. क्लियर? Is it fine? So this was number A. Ab next perquisite. Professional tax paid by employer. Actually, professional tax kiska obligation hota malum hai? This is ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय, लेकिन पैसे तुमने भर दिए तो मेरा परक्यूजिट में आएगा. Is it okay? Next. Life insurance. पेड बाय एम्प्लॉयर, जितना तुमने पैसा दिया एक्चुअल एक्सपेंडिचर बाय एम्प्लॉयर. ठीक है, नेक्स्ट अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉयर इन आरपीएफ. आरपीएफ होता है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम. अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड ठीक है, टू द एक्सटेंट इट एक्सीड्स रुपीज 7,50,000.
ठीक है। इंटरेस्ट ऑन अबव, एक बात ध्यान से समझना, ये जो प्रोविडेंट फंड वगैरह होता है ना, हमेशा याद रखना इसमें दोनों जन कंट्रीब्यूट करता है। ये जो आरपीएफ होता है इस पे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है। एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो उसके सैलरी से कट जाता है, मतलब दोनों का पैसा एम्प्लॉयर जमा करता है, उसका अपना वाला जो हिस्सा है वो अपने पॉकेट से देता है और एम्प्लॉय वाला हिस्सा उसके सैलरी से काटता है। तो जो तुमने मेरे सैलरी से काटा है, राइट, ये थोड़ी इनकम माना जाएगा। सपोज करो तुमने मेरे को बेसिक सैलरी दिया, उसमें से तुमने प्रोविडेंट फंड 5,000 काट लिया, तो मैं तो बेसिक सैलरी पे टैक्स दे रही हूं, मैं तो पूरा बेसिक सैलरी पे टैक्स दे रहा हूं ना। बेसिक सैलरी का एक सर्टेन परसेंटेज प्रोविडेंट फंड में जाता है, तो तुम तो मेरा पूरा बेसिक सैलरी टैक्सेबल, तो अल्टीमेटली व्हाट एवर कॉन्ट्रीब्यूशन आई एम डूइंग वो तो ऑलरेडी टैक्स है। तो इसीलिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो भी टैक्सिंग का बात हो रहा है और इंटरेस्ट भी, इंटरेस्ट ऑन अबव मतलब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वाला इंटरेस्ट। अब दोनों जन हर साल दोनों जन कंट्रीब्यूट किया, इस पे इंटरेस्ट ऐड होता है फंड में, और जब एम्प्लॉय रिटायर करता है तब उसको मिलता है प्रोविडेंट फंड से पैसा। एक टाइप का सेविंग्स है ये, हर साल तुम्हारा प्रोविडेंट फंड जमा हो रहा है, तुम भी जो कर रहे हो मालिक भी दे रहा है अपने पास में से, दोनों जन जमा कर रहा है, उस पे हर साल ब्याज चढ़ेगा। तो वो जो इंटरेस्ट एलिमेंट है वही वाला टैक्सेबल होगा ओनली ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन पार्ट। ठीक है, परक्यूजिट वैल्यू ऑन यूज ऑफ मोटर कार, इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, सेपरेट नोट। शॉफर ड्रिवन कार ऑफिशियल पर्पस के लिए है, कोई परक्यूजिट वैल्यू नहीं आएगा। शॉफर ड्रिवन कार पर्सनल यूज के लिए है तो उसमें देखना पड़ेगा गाड़ी किसका है, तेल का पैसा कौन दे रहा है। कई बार ऐसा हो सकता है गाड़ी नौकर अपना यूज कर रहा हो, एम्प्लॉय तेल का पैसा खाली मालिक से ले रहा है। कई बार ऐसा भी होता है गाड़ी भी मालिक दे रहा है, तेल का पैसा भी मालिक दे रहा है। तो उसी उसी पोर्शन ऑफ यूज पे परक्यूजिट वाला टैक्स लगेगा, वही पोर्शन ऑफ इनकम माना जाएगा जो तुम पर्सनल यूज में किया है। ऐसा भी हो सकता है पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल। आज हमको ऑफिस से गाड़ी मिला, हम ऑफिस ड्रॉप हुआ घर गाड़ी भेज दिया, मेरा घर वाला लोग उस गाड़ी में घूम रहा है, फिर शाम को वापस है, तो गाड़ी का तो ड्यूअल यूसेज हो रहा है, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, मतलब पूरा ऑफिशियल पर्पस, पूरा घर में छोड़ दिया पूरा पर्सनल पर्पस। कई बार पार्टली पार्टली भी होता है, तो ये टेबल अपन पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
अगर सैलरी का क्वेश्चन आएगा ये एडजस्टमेंट होगा ही होगा उसमें। अदर परक्यूजिट, और भी बहुत सारे परक्यूजिट्स होते हैं। मैंने आपको स्वीपर दे दिया, गार्डनर दे दिया, वॉचमैन दे दिया, पर्सनल अटेंडेंट दे दिया, तो जो भी मेरा एक्चुअल कॉस्ट लगेगा वो तुम्हारे लिए परक्यूजिट वैल्यू। स्वीपर, एक्सेट्रा, जो भी मेरा एक्चुअल कॉस्ट लगेगा एम्प्लॉयर का वही तुम्हारे लिए परक्यूजिट वैल्यू। गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, जो भी मेरा एक्चुअल कॉस्ट लगेगा एम्प्लॉयर का वो तुम्हारे लिए परक्यूजिट वैल्यू। जो भी मेरा एक्चुअल कॉस्ट लगेगा वो तुम्हारे लिए परक्यूजिट वैल्यू। ठीक है, नाउ अगर मान लो एडुकेशन फैसिलिटी तुम अपना स्कूल में प्रोवाइड कर रहे हैं एम्प्लॉई के फैमिली मेंबर्स को, उसके बच्चे को बेसिकली, तो उस एरिया में लोकेलिटी में जो सिमिलर इंस्टीट्यूशन है उसका जो सर्विस का कॉस्ट है ना परक्यूसिट वैल्यू वही माना जाएगा, राइट? नहीं, सिंपल फंडा है, परक्यूसिट वैल्यू निकालना है, उसमें कुछ भी बेसिस लग सकता है लोग। सो लॉ में लिखा है सिमिलर इंस्टीट्यूशन, ठीक है, लेकिन परक्यूसिट वैल्यू नहीं होगा अगर कॉस्ट 1000 रुपया से कम है पर महीना। अगर कॉस्ट ऑफ सच फैसिलिटी, आजकल कौन सा स्कूल का फीस 1000 रुपए महीना होता है, तो जनरली ये टैक्सेबल ही होगा, राइट? अभी ये जो परक्यूजिट है ना ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉई ही टैक्स देगा इस पे। तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉई कौन होता है मैं बताऊंगा आपको बाद में। जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉई है वही लोग इस पे टैक्स देगा। Is it fine? नेक्स्ट, इंटरेस्ट फ्री लोन।
और लोन एट कंसेशनल रेट, इंटरेस्ट फ्री लोन और लोन एट कंसेशनल रेट। मैंने तुमको लोन दिया राइट, गाड़ी खरीदने के लिए, कुछ भी खरीदने के लिए, सस्ते में दिया। अच्छा, पहला बात लोन अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज 20,000 का होना चाहिए। ठीक है हाँ? तो बेसिकली तुमको इंटरेस्ट का फायदा हो रहा है, लोन तो तुमको आज नहीं तो कल चुकाना ही है, बेसिकली यू आर बेनिफिटेड विथ इंटरेस्ट। या तो इंटरेस्ट तुमको देना ही नहीं पड़ रहा या कम देना पड़ रहा है। तो इंटरेस्ट होना क्या चाहिए? एसबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिवेलिंग ऑन फर्स्ट डे ऑफ टैक्स में प्रीवियस ईयर का मतलब मालूम है ना, करंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। ऑन मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस, माइनस इंटरेस्ट पेड बाय एम्प्लॉई, इज इट फाइन? फ्री फूड, थ्रू पेड वाउचर्स, राइट? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट कर दिया, राइट? नो परक्यूजिट इफ गिफ्ट वाउचर बिलो 5,000, 5,000 के नीचे है तो परक्यूजिट नहीं होगा। ठीक है, यूज ऑफ मूवेबल एसेट, इसके लिए भी अलग से हम लोग सेपरेट नोट पढ़ेंगे। जैसे फर्नीचर अगर मैंने तुमको यूज करने दिया तो 10% पर एनम ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट, भाड़े पे लेके दे तो हायर चार्जेस। कंप्यूटर मैंने तुमको यूज करने के लिए दिया है, लैपटॉप यूज करने दिया है, गॉट माई पॉइंट? तो ये तो अगर मैं तुमको कंप्यूटर लैपटॉप यूज करने दे रहा हूं तो कभी भी मत लेना, ऑफिस वाला लोग पहला वाला दिन ही लैपटॉप पकड़ा देता है,
बच्चा खुश, कंपनी ने हमको लैपटॉप दिया है, रगड़ देगा मुन्ना, घर पे काम दे देगा गुरु, तुम्हारा मूवी नेटफ्लिक्स देखने के लिए दिया है तुमको। घर वाला भी बहुत खुश, छोरा ने नया लैपटॉप मिले ऑफिस से। राइट। तो कंप्यूटर का यूज नहीं, उसका परक्यूसिट वैल्यू नहीं होता है जनरली। फर्नीचर वगैरह का बता ही दिया, मोटर कार का अलग से पढ़ेंगे हम लोग। देखो ऊपर वाला मोटर कार है ना, सेपरेट नोट। ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट, इसको भी हम लोग अलग से करेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, बेसिक कमीशन बोनस अलाउंसेस, अलाउंसेस में सारा का सारा टैक्सेबल है। खाली ब्लाइंड डेफ वाले को 3200 का एग्जम्पशन है पर मंथ, और ट्रैवलिंग ये सब ऑफिस के लिए ही होता है ये सब, ये जितने भी है ना ये नॉर्मल प्रोविजन में भी रहेंगे। परक्यूजिट में रहने के लिए घर दिया है तुम्हारा प्रोफेशनल, मैंने बोला था ना या तो बेनिफिट इन काइंड या मैं तुम्हारा कोई खर्चा पैसा दे दे रहा हूं, तो तुम्हारा इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा हूं, तुम्हारा प्रोफेशनल टैक्स मैं पे कर रहा हूं, तो ये सब परक्यूजिट माना जाएगा। आरपीएफ, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड, नेशनल पेंशन स्कीम, इन सब में जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन करूंगा वो टैक्सेबल होगा इन एक्सेस ऑफ 7,50,000। इंटरेस्ट ओनली ऑन एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट। परक्यूजिट वैल्यू ऑन यूज ऑफ मोटर कार, राइट। गाड़ी यूज करने दिया है, पूरा ऑफिशियल पर्पस होगा तो परक्यूजिट वैल्यू नहीं आएगा, पूरा पर्सनल होगा तो आएगा, पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल होगा तो भी आएगा। अदर परक्यूजिट में बाकी सारा परक्यूजिट आ गया। क्लियर। तो लास्ट हमारा परक्यूजिट था पॉइंट नंबर 5। अब अपने बात करते हैं 6। लीव ट्रैवल कंसेशन टैक्सेबल है, ठीक है। नॉर्मल वाले में एग्जेम्पशन मिलेगा, यहां नहीं है इसलिए एस्ट्रिक मार्क दे दिया। अब रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ग्रेच्युटी क्या होता है, इतने सालों से आप हमारे यहां काम कर रहे हैं, इन अप्रिशिएशन ऑफ योर पास्ट सर्विसेज आई एम गिविंग यू दिस मच। तो ग्रेच्युटी में एक होता है ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट आपको मिल जाएगा,
तो कोई भी पैसा अगर आपको ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो फुल्ली टैक्सेबल, और एट रिटायरमेंट अगर मिलेगा ठीक है, तो इसमें लेस एग्जेम्पशन है, न्यू टैक्स रिजाइम में भी एग्जेम्पशन है। अगर आपको थोड़ा थोड़ा करके, मैं ग्रेच्युटी क्या होता है, आपने मेरे यहां पे 25 साल से काम कर रहे हैं आप, आपकी लॉयल्टी ऑनेस्टी इंटीग्रिटी को देख के मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, गॉट माई पॉइंट, आई वॉन्ट टू गिव यू समथिंग। तो हर साल का आधा महीने का सैलरी मैं आपको दे रहा हूं, तो 12.5, हर साल का आधा महीना मतलब 12.5 महीने का सैलरी तुमको फ्री में मिलेगा। अगर मैं तुमको हर साल थोड़ा थोड़ा करके देता गया तो झमेला नहीं है, वो तुम्हारा हाथों हाथ टैक्सेबल। लेकिन अगर मैं तुमको इकट्ठा रिटायरमेंट के वक्त दिया तो उसमें एग्जेम्पशन मिलेगा। ये हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, पेंशन पेंशन रिटायरमेंट के बाद ही मिलता है, पहले ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकता। पेंशन का मतलब ये है रिटायरमेंट के बाद आपको मिलेगा। तो इसमें एक होता है कि आपको मंथली पेंशन मिला, एक होता है आपको इकट्ठा मिल गया। मंथली वाले को बोलते हैं अनकम्यूटेड, क्या बोलेंगे, ये पूरा का पूरा टैक्सेबल है। और एक होता है कम्यूटेड पेंशन, इसमें लेस एग्जेम्पशन है। एक है लीव एनकैशमेंट, छुट्टी मिलता है साल में 30, तो अगर आप छुट्टी के बदले में छुट्टी नहीं लेके काम करने आ गए, राइट, तो अगर मैंने मान लो ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट आपको दे दिया, इस महीना आपने एक दिन एक्स्ट्रा काम किया, छुट्टी नहीं लिया, लो उसका पैसा हाथों हाथ पकड़ो, तो उसी समय टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर रिटायरमेंट के वक्त लमसम मिलेगा तो लेस एग्जेम्पशन होगा। समझ रहे मेरी बात? वॉलेंट्री रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन, ये शेक हैंड्स होता है, इसमें लेस एग्जेम्पशन होगा। दोनों का सलाह मशवरा से हम लोग काम नहीं करना चाहते एक दूसरे के साथ। तुम्हारी इस हरकत के कारण मैंने तुमको लात मार के निकाल दिया तो भी तुमको कॉम्पेंसेशन मिलेगा। इसमें भी लेस एग्जेम्पशन होता है। ठीक है, इसको ऐड करने से आएगा ग्रॉस सैलरी लेस
स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 50,000 ये आ गया हमारा इनकम फ्रॉम सैलरीज। इज इट फाइन? हाँ, ग्रेच्युटी होता है इन एप्रिसिएशन ऑफ पास सर्विसेस। इन एप्रिसिएशन ऑफ पास सर्विसेस। पेंशन आपको मालूम है? राइट, लीव नॉट अवेल्ड, आपने छुट्टी के बदले में छुट्टी नहीं ली, तो इतना बड़ा कंप्यूटेशन होगा। देखो मैंने पेज छोटा भी कर दिया तो भी नहीं आ रहा एक पेज में। हमारा बेसिक फीस बोनस राइट, ये सारा अलाउंसेस है। परक्यूजिट में ये आपका रेंट फ्री अकोमोडेशन, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर इन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम एंड सुपर एन्युएशन फंड, इंटरेस्ट ऑन सच, गाड़ी यूज पे दे दिया, अदर परक्यूजिट में आपका स्वीपर गार्डनर एक्चुअल कॉस्ट, वॉचमैन, पर्सनल अटेंडेंट, गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर, एडुकेशन फैसिलिटी, अगर खुद का स्कूल है तो सिमिलर इंस्टीट्यूशन का जो फीस होगा उतना परक्यूजिट वैल्यू माना जाएगा, और अगर कॉस्ट 1,000 रुपए के नीचे है तो परक्यूजिट वैल्यू 0। राइट, FNG स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में ही टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट फ्री लोन और लोन एट कंसेशनल रेट, मोटर लोन, होम लोन, मालिक दे रहा है। जैसे HDFC में मेरा एक फ्रेंड काम करता है, उसको कंपनी 4% में लोन दे रही है, 4% में, लेकिन मार्केट रेट तो 4% नहीं है, SBI का रेट 9.5-8 है, जो भी है, तो डिफरेंस पे उसका परक्यूजिट आ जाएगा। जितना बेनिफिट आप एंजॉय करेंगे उस बेनिफिट एंजॉयमेंट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, इट विल बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ योर सैलरी। फ्री फूड, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस थ्रू पेड वाउचर, गिफ्ट 5,000 के नीचे तो टैक्सेबल नहीं होगा, यूज ऑफ मूवेबल एसेट, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट, लीव ट्रैवल कंसेशन में एग्जेम्पशन नहीं है, नॉर्मल स्कीम वालों को रहेगा। बाकी ये सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं। ये सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं।
ठीक है, इज इट ओके? अब नॉर्मल प्रोविजन में कहां कहां चेंज आएगा? मतलब समझ कर लो, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, इनकम फ्रॉम सैलरीज एज पर न्यू टैक्स रिजाइम, ठीक है ना? हाँ, अब इसमें बदलाव क्या आएंगे? कंप्यूटेशन तो मैंने दे दिया। सबसे पहले सर लेस हाउस रेंट अलाउंस का एग्जेम्पशन आएगा, है ना? चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस का एग्जेम्पशन आएगा, हॉस्टल अलाउंस का एग्जेम्पशन आएगा, ट्रांसपोर्ट नॉर्मल वाला एबॉलिश हो गया, अब नॉर्मल लोगों को नहीं मिलता, 1600 पर मंथ था वो हट गया है। अगर आप लोग भैया दीदी का किताब से पढ़ेंगे तो वहां आपको दिखेगा। ठीक है, नंबर टू, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस का एग्जेम्पशन मिलेगा, चिल्ड्रेन हॉस्टल अलाउंस का एग्जेम्पशन मिलेगा, फ्री फूड का भी एग्जेम्पशन मिलेगा आपको, अप टू रुपीस 50 पर मील, मालिक आपको 130 रुपए का खाना खिला रहा है, आपको 130 रुपए का बेनिफिट मिला, 50 रुपए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लीव ट्रैवल कंसेशन का एग्जेम्प्शन मैंने एस्टिक मार्क भी दिया था, तो इसको बोलेंगे एक बार सब टोटल बोल लो इसको, अभी डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 में ये वाला जो है ना, ये 16(1) है, स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों में मिलता है, लेकिन यहां पे दो और आएगा, एक आएगा 16(2) में, एक आएगा 16(3) का,
एंटरटेनमेंट अलाउंस का एक डिडक्शन मिलता है, लेकिन याद रखना ये ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा। प्रोफेशनल टैक्स ऊपर में टैक्सेबल हुआ था जो मालिक दिया था, नीचे उसका डिडक्शन मिलेगा भले ही मालिक दिया हो या हम दिए हो, क्योंकि मेरा ऑब्लिगेशन है। ये जो आएगा ना इसको हम लोग बोलेंगे इनकम फ्रॉम सैलरीज एज पर नॉर्मल प्रोविजंस। इनकम फ्रॉम सैलरी एज पर नॉर्मल प्रोविजन। तो चेंज कहां कहां हुआ देखो, मैंने एस्ट्रिक मार्क दिया था, हाउस रेंट, चिल्ड्रन एडुकेशन, हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट, परक्यूजिट दोनों में सेम रहेगा, खाली ये मील वाला ये रहा नीचे, यहां पे एस्ट्रिक मार्क देना एक और। और लीव ट्रैवल में तो दिया हुआ है। समझ गया? तो न्यू टैक्स रिजाइम वाले से ये सब एडजस्टमेंट कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, सो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अभी मेरे को आपको एग्जेम्पशन सिखाना है। जैसे एग्जेम्पशन कहां कहां सीखेंगे, यहां पे कुछ नहीं है, ये तो 3200 पर मंथ है। यहां पे एग्जेम्प्ट ओनली इफ यूटिलाइज फॉर ऑफिशियल पर्पस। इसका थोड़ा बहुत कैलकुलेशन समझाना है आपको। अब सैलरी का मीनिंग में क्या क्या आएगा, सबसे बड़ा इंपॉर्ट। आप बोल तो दिए 15% ऑफ सैलरी, सैलरी में तो इतना बड़ा लिस्ट दे दिया आपने, तो रेंट फ्री अकोमोडेशन कैलकुलेशन के लिए सैलरी का मीनिंग क्या है? इधर में थोड़ा बहुत ये कैलकुलेशन समझाना है, डी और ई में परक्यूसिट वैल्यू सीखना है। अच्छा, ये इंटरेस्ट ऑन लोन का कैलकुलेशन थोड़ा बहुत समझाना है, यूज वाला समझना है, ट्रांसफर वाला समझना है। अच्छा, लीव ट्रैवल का कंसेशन करना है, उसका एग्जेम्पशन न्यू टैक्स रिजाइम में नहीं है, बट ओल्ड वाले में तो एग्जेम्पशन मिलेगा, अभी मैंने दिखाया था। ग्रेच्युटी वाला एग्जेम्पशन सीखना है, पेंशन वाला एग्जेम्पशन सीखना है, लीव एनकैशमेंट वाला एग्जेम्पशन सीखना है, वॉलंटरी रिटायरमेंट वाला एग्जेम्पशन सीखना है, रिट्रेंचमेंट वाला एग्जेम्पशन सीखना है, दैट्स इट। और इधर में ये एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन सीखना है। समझ गए? चलिए बताएंगे सब, धीरे धीरे बताएंगे। कुछ कुछ परक्यूसिट खाली स्पेसिफाइड, मतलब जिसका सैलरी एक सर्टेन लेवल को क्रॉस करेगा, क्योंकि तुम एक चीज मेरे को, मैं अगर कहीं पे काम करता हूं तो मेरे को थोड़ी गार्डनर का सर्विस मिलेगा, स्वीपर का सर्विस मिलेगा, तो कुछ कुछ परक्यूसिट एलिट लोगों को ही मिलता है, तो वो लोग स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के कैटेगरी में आते हैं, राइट? वो सब मैं आपको बताऊंगा, मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। एफएनजी, ये दो परक्यूसिट सबको नहीं मिलता, नॉर्मल तुम जाओगे ना, नॉर्मल सिनेरियो में भी सबको नहीं। तो आजकल स्पेसिफाइड एम्प्लॉय में जो क्राइटेरिया दिया है ना, जो अमाउंट दिया हुआ है, उस अमाउंट को देखने के बाद सभी एम्प्लॉय ऑटोमेटिकली स्पेसिफाइड कैटेगरी में आ गया है। मतलब तुमको एग्जाम पॉइंट पहले होता था, आज से 8 साल 10 साल पहले, तब एग्जाम में क्वेश्चन आता था कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है तो कौन कौन सा परक्यूसिट टैक्सेबल होगा, नॉन स्पेसिफाइड है तो कौन कौन सा होगा। नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय में ये सब परक्यूसिट टैक्सेबल नहीं होता था,
लेकिन आजकल कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ सैलरी विच एवरीवन इज गेटिंग दीज डेज, छोटा से छोटा आदमी का भी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है स्पेसिफाइड एम्प्लॉय. तो इन शॉर्ट सम आते ही सब टैक्सेबल सबके लिए, चेक करने का दरकार नहीं. तो ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे अब वेव हो गया है, राइट? इसका कोई रेलिवेंस नहीं रह गया. हम लोग बात कर लेंगे इसके बारे में, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच.